गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आवर चैप्टर 3 इन योर जीके बुक। यानी आज हम आपकी जीके बुक का चैप्टर 3 रीड करने जा रहे हैं, जिसका नेम है राइट और रोंग, यानी सही और गलत। तो थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको समझा देती हूँ कि हमारी जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन हमें यह पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें सही होती है और कौन सी चीज़ें गलत होती है। यानी कौन सी बातें हम करते हैं वो अच्छी होती है या वो गलत होती है। तो आज हम हमारे इस चैप्टर में यही रीड करने वाले हैं कि जो चीज़ें हम करते हैं वो सही है या गलत। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो है, देयर आर कर्टेन। कर्टेन मीन्स कुछ थिंग्स इन योर लाइफ विच यू हैव टू थिंक अबाउट इफ दे आर राइट और रॉन्ग। पुट ए राइट ऑन द राइट एक्शन एंड रॉन्ग ऑन द रॉन्ग वंस। यानी देयर आर कर्टेन थिंग्स। आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं इन योर लाइफ विच यू हैव टू थिंक अबाउट, जिनके बारे में आपको सोचना है इफ दे आर राइट टू डू और रॉन्ग, कि क्या वे सही है या गलत। यानी आपके जीवन में से बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको आज ये सोचना है कि आप जो चीज़ें करते हैं वो सही है या गलत। अगर यहाँ पर भी आपको दिख रहा हो कुछ पिक दिए गए हैं, जिसमें से अगर जो चीज़ आपको लगती है कि ये सही है, ये अच्छी है, तो हम उस पर राइट का मार्क लगाएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये रॉन्ग है, ये गलत बात है, तो हम उस पर रॉन्ग का मार्क लगाएंगे। तो आप लोग भी क्या करते हो, आप स्कूल जाते हो, आप झगड़ा करते हो, किसी की मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो हम हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में हमें यह भी पता नहीं होता है कि वो चीज़ें हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आज हम यही फाइंड करेंगे या यही पता लगाएंगे कि आप जो करते हो उसमें से कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, सही होती है, और कौन सी चीज़ें गलत होती है या रॉन्ग होती है, गंदी बात होती है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पिक दिया गया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो दो बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइटिंग। फाइटिंग मीन्स होता है लड़ना विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ लड़ना। आप भी स्कूल में, घर पर एक दूसरे के साथ लड़ते हो, तो क्या लड़ना अच्छी बात होती है? नहीं, लड़ना, झगड़ना गंदी बात होती है। तो हम इस बॉक्स जो आपको दिया गया है इसमें क्या लगाएंगे? रॉन्ग, क्योंकि लड़ना झगड़ना क्या होता है? गंदी बात होती है, लड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपकी नेक्स्ट पिक में, हेल्पिंग पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों की मदद करना। हेल्पिंग मीन्स मदद करना। तो आपको भी पता है कि हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतने गरीब हैं जिनको दो टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हेल्पिंग पुअर पीपल, यानी ऐसे लोगों की जो ठीक से खाना भी नहीं खा सकते, जिनके पास खाने खाने का भी पैसा नहीं होता है, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे राइट, हेल्पिंग पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों की हेल्प करना। देन हमारा थर्ड पिक है, इसमें आपको दिख रहा होगा केयरिंग ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल मतलब बूढ़े, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो अपनी केयर नहीं कर पाते, जो एक एजेबल पीपल होते हैं, उनकी देखभाल करना। आपको जैसे एक पिक में भी दिख ही रहा होगा कि कैसे ये जो डॉक्टर है, ये ओल्ड पीपल या डॉक्टर या पर्सन जो भी है, ये कैसे ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोगों की हेल्प कर रहा है। तो आपके घर में भी आपके दादा दादी होते हैं जो बूढ़े होते हैं, जो ना ठीक से चल भी नहीं पाते, उन तो आपको भी क्या करना चाहिए? उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हेल्प करना क्या होता है? अच्छी बात होती है, किसी की मदद करना अच्छी बात होती है। तो बिल्कुल, तो इस बॉक्स में हम क्या लगाएंगे? राइट का मार्क लगाएंगे। क्यों? आपके दादा दादी की आप भी हेल्प करना चाहिए ना, आपको भी अच्छी बात होती है हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? राइट। आपको यहाँ पर अभी फिल नहीं करना है, इसे हम नेक्स्ट डे या हमारे नेक्स्ट वर्क में फिल करेंगे। अभी सिर्फ आप इससे अच्छे से रीड करें और समझें कि क्या चीज़ें सही होती है और क्या चीज़ें गलत होती है। देन हमारा फोर्थ वाला जो पिक है, उसमें आपको दिख रहा होगा वॉचिंग टेलीविज़न टू नियरली, यानी ये जो बच्चा है ये टीवी को क्या देख रहा है? बहुत पास से देख रहा है। आप लोग भी घर पे क्या करते हो? टीवी में बिल्कुल टीवी टेलीविज़न ऑन कर लेते हो और बहुत पास से उसको देखते हो, यानी बिल्कुल उसको पास जाके बैठ जाते हो और फिर टीवी देखते हो। बहुत सारे बच्चों की शिकायत भी आती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो ये जो क्या है, ये गंदी बात है, ये बैड हैबिट्स है। इतने पास से टीवी देखना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक से टीवी देखने से आपकी आँखें क्या होती है? ख़राब हो जाती। इसीलिए आपके पेरेंट्स भी आपको बार बार यही चीज़ समझाते हैं कि ज़्यादा पास से टीवी नहीं देखनी चाहिए। अगर आपको टीवी देखनी है तो आप दूर से टीवी को देखें और कम से कम टीवी देखें। तो ये तो क्या है? ये गंदी बात है, पास से टीवी देखना गंदी बात है। तो हम यहाँ लगाएंगे रॉन्ग का मार्क।
फिर देन हमारा नेक्स्ट पिक है स्टडिंग टुगेदर। स्टडिंग मतलब पढ़ाई करना, टुगेदर मतलब एक साथ या साथ में। आपके घर में भी आपकी बड़ी सिस्टर, बड़े भाई जो भी हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको समझाते हैं, तो आप उनके साथ पढ़ाई कर सकते हो। ये अच्छी बात होती है, आपको भी आपके बड़े भाई बहनों के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आपको उनको पढ़ाना चाहिए, तो साथ में पढ़ाई करना अच्छी बात होती है। इससे आपको किसी की हेल्प मिल जाती है, और आपको अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हो और सोच विचार करके अपने वर्क को कंप्लीट भी कर सकते हो। तो स्टडिंग टुगेदर यानी एक साथ पढ़ना अच्छी बात होती है, तो हम इसमें लगाएंगे राइट। देन हमारा लास्ट पीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा टीजिंग। टीजिंग मतलब छेड़छाड़ करना या परेशान करना या चिढ़ाना। फेलो मतलब साथी, आपके दोस्तों को। पीपुल, फेलो पीपुल यानी आपके साथी दोस्तों को। टीजिंग मतलब चिढ़ाना। कुछ बच्चे की क्या आदत होती है, किसी भी बच्चे को क्लास में चिढ़ाते रहते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं, और आप जिस बच्चे को चिढ़ाते हो वो क्या हो जाता है, फिर आपसे नाराज़ हो जाता है, उसे बुरा भी लगता है। तो अच्छी बात है, आपको किसी आप किसी बच्चे को चिढ़ाते हो, वो नाराज़ हो जाता है, उसको बुरा लगता है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, गलत बात होती है। किसी को चिढ़ाना गलत बात होती है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रॉन्ग। तो आज हमने सीखा कि कौन सी बातें अच्छी होती है और कौन सी बातें बुरी होती है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे अच्छे से रीड करें और आप भी ये सोचें कि इनमें से कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी चीज़ें बुरी है, और इस चैप्टर को हम हमारी नेक्स्ट वर्क में फिल करेंगे। थैंक यू।